अब क्या कर रही हो? ये मामा सुबह करेंगे ना, रख दो, सुबह साफ करेंगे। और देखिए ये मेरी जो शाल है ना, इसको इस टाइम बास्केट में से क्या निकालना था, अपना एयर ड्रॉप निकालना था, ठीक है। और वो ढूंढने के लिए उसने सारी बास्केट खाली कर दी। कह रही मम्मा आपने देखे कितना गंद मचाया हुआ है, मैं साफ करने लगी। अब हम देखते हैं कि शाल जो है ना वो कैसे साफ करती है, क्योंकि मामा तो सुबह आराम से करेंगे, इस वक्त मुझे नींद आ रही है। तो अब मैं शाल का देखती हूँ कैसे करती, मैं आपको दिखाऊंगी भी, ठीक है। शाल क्या कर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने मान में रखे, आमीन सुम आमीन। आज मेरी आपसे काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है, क्योंकि पता नहीं क्यों आजकल मैं ब्लॉग बहुत 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 लेट अपलोड करती हूँ। कुछ मसरूफियत भी है और कुछ लेजीनेस भी है, बस कभी कभी ऐसा टाइम आता है और मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता, बिल्कुल भी दिल नहीं करता कोई वीडियो बनाऊं या अपलोड करूं। लेकिन इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं कंटिन्यू रख सकूं इसको, और जो है ना वो बस जल्दी जल्दी मेरे ब्लॉग्स आएँ। और यहाँ पर देखिए मेरी शाल जो है ना, बस वो बास्केट क्लियर कर रही है। हम अपने तार में ड्रॉप डाले, मैंने तार में। अच्छा चलो, अब साथ साथ आपने बोलना भी है, ठीक है ना? ये हम इधर लेते हैं, ये भी हम इस दिशा लेते हैं, इसके ऊपर जिस यहाँ पे लेते हैं, जिसे तलते हैं। अब ये यहाँ पे धागा, नहीं नहीं ये बाहर निकालो, धागा बाहर निकालो, वो नीचे ड्रॉ में रखेंगे हम, साइड पे रख दो। हाँ चलो, अब हम ये डालेंगे। और ये बास्केट जो है ना, ये सारा मेस शाल ही करती है अपनी पोनियां ढूंढने के लिए। और क्या क्या, ये देखिए सारी इसने अपने ने हेयर एक्सेसरीज है ना, सारी निकाल के ये रखी हुई है, पता नहीं क्या क्या करती रहती है। और सारी चीजें, ये सारा गंद है ना, किया भी शाल नहीं है। तो अब शाल सेट कर रही है और फिर मैं आपको ना फाइनल बताऊंगी शाल ने क्या किया। की बात बताऊं, ये देखें ये शाल जो है ना, उसने बास्केट सेट की है थोड़ी सी और कह रही है बाकी आप करें, मैं नहीं कर रही। तो बस चले, अभी इस वक्त तो मैं भी ऐसी चीजें डालूंगी, सुबह आराम से करूंगी, टाइम बहुत ज्यादा हो गया, अब सोने का टाइम है। तो चलो ये शाल सुबह अपनी बास्केट ठीक करेंगे, ठीक है। ये देखें, ये मैंने अपनी बास्केट जो है ना क्लियर कर दी है। ये शाल सही कर रही थी, उससे सही नहीं हुई, लेकिन मैंने यहाँ पे अब सारी चीजें जो है ना सेट करके रख दी है। देखो शाल अब ठीक है, चलो शाल के बेग में छोटी सी बास्केट लेके आऊंगी, वहाँ यहाँ रखूंगी, उसमें सिर्फ शाल की चीजें होंगी। जैसे शाल का ड्रॉ है ना, शाल अपने ड्रॉ भी साफ करती है। और चले अब हम जो है ना, शाल को वैसे ना इस तरह से मैसी चीजें जो होती है ना, आगे पीछे पड़ी हैं, उसको अच्छी नहीं लगती, वो कहती है मम्मा प्लीज इसको क्लियर करें, साफ करें। ये देखें, ये मेरे बेड पे जो है ना ऑरेंज ट्री निकल आया है, और ये देखें अच्छा लग रहा है ना। अब इस पे जो है ना लीव्स और ऑरेंज नहीं आए, जब लीव्स और ऑरेंज आएंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और ये देखिए, हाउ क्रिएटिव आई एम, है ना। आपने बताना है कि आपके बेड पे इस तरह से जो है ना वो प्लांट्स उगते हैं कि नहीं उगते? तो मेरी सिस्टर की कॉल आई थी, मैं उससे फोन पे बात कर रही थी, और मेरी बेटी जो है ना बाबा के साथ जाके पिज्जा लेके आई। उसने इंतजार भी नहीं किया कि मामा खोलेंगी तो फिर हम व्लॉग भी बनाएंगे और खाएंगे भी। वाओ, इशा लेके आई है, तो चले हम खाते हैं अब पिज्जा। मिज्जा अकेले खाओगे, मामा को नहीं दोगे? तो लो, मैं भी खाऊं? हाँ, आप तो लो अपना। अच्छा मैं अपना कटिंग कर लूं? हाँ, चलो ठीक है, आप खाओ ना, फिर मैं खाती हूँ। राइट नाउ ये देखिए, मैं इस वक्त इतनी जल्दी में हूँ ना, क्योंकि ये मैंने बैग पैक किया है और मैं मम्मी की तरफ जा रही हूँ। वैसे मेरा एक दो दिन बाद जाने का प्लान था, लेकिन अचानक से बना है। शाल के बाबा कहने लगे मेरे पास टाइम है, तो बस एक दो दिन है और उसके बाद में बस टाइम नहीं होगा, तो बस मैंने जल्दी जल्दी से अपनी तैयारी की है। और देखिए अभी मैं सारा कमरा जो है ना समेटने लगी हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी से हम तैयार हुए हैं। और फिर जो है ना मैं आपको बताती हूँ, और जो मैंने आज ड्रेस पहना, ये मैंने ड्रेसिंग, ये स्लीव्स की जो डिज़ाइनिंग है मैंने खुद की है, वो मैं आपको दिखाऊंगी फिर बाद में, ठीक है। और बस अब जल्दी जल्दी से वाइंड अप करते हैं, क्योंकि शाल के बाबा कह रहे हैं जल्दी करना है। लिटरली इस पर मुझे इतनी कन्फ्यूजन थी ना, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कौन से कपड़े रखूँ, गर्म कपड़े रखूँ, नॉर्मल कपड़े रखूँ, लॉन के रखूँ, कॉटन के रखूँ। तो बस मुझे जो समझ आई मैंने रख दिए, और अब ये सारी चीज़ें जो मेरी ड्रेसिंग पे पड़ी है ना, ये सारी मैं समेटने लगी हूँ, क्योंकि डेफिनेटली पीछे में होंगी नहीं तो फिर वो डस्ट से गंदी होती रहेंगी। तो इन सबको मैंने अलमारी में रख के जाऊँगी। जैसे कि आपको पता है बिलावल भाई हमारे जो है ना वो कराची से चले थे और गुजरांवाला आज पहुँच गए थे, इस वजह से ट्रैफिक जो है ना वो नहीं थी। अब पता नहीं जाएँ ना जाएँ।
यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं बस का, और आज देखे पता नहीं आती है बस नहीं आती। फाइनली हम पहुँच गए थे इस्लामाबाद अम्मी के घर। मुझे लगता नहीं था कि आज हम जा पाएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच गए थे। और गाड़ी में बिल्कुल ऐसी कोई जगह नहीं थी, अंधेरा भी हो गया था, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। और डायरेक्ट हम जब घर पहुँचे हैं, ये डिनर कर रहे थे, फिर मुझे याद आया कि चलो मैं आपको बता दूँ कि हम जो है ना इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। और यहाँ पर देखें ये जो केक है ना, ये मेरी शाल के लिए मेरी सिस्टर ने संभाला था। उसकी बर्थडे थी मेरी सिस्टर की तो दो एक दिन पहले, तो वो कॉल पे उसने कहा था थाला मुझे भी केक खाना है, तो उसने जो है ना वो बॉल में उसके लिए संभाल दिया था। और फिर ये मैंने शाल ने खाया था, उसके बाबा कह रहे थे मैंने नहीं खाना, और बहुत जमी केक था। और शाल वैसे भी केक की बहुत ज़्यादा, शाल के बल्कि बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। और मुझे भी लिटरली ये अक्सर लोग कहते हैं ना हमें क्रीम वाला केक नहीं पसंद, अगर हाँ डाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो वाकई, लेकिन मुझे भी बहुत पसंद है, मुझे भी खाना बहुत अच्छा लगता है। बस हमारे नसीब का रिस्क लिखा था देखें और रखा हुआ था, और हमने जो है ना वो खा लिया। और जी गुड मॉर्निंग फ्रॉम माई मॉम प्लेस। और अब मौसम थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, लेकिन टेंशन भी हो रही है कि ऐसे ऐसे गर्मियां भी आ रही हैं। और बस अब हम नीचे चलते हैं, नाश्ता करते हैं। और देखिए सुबह सुबह जो शाल ने जिद की है कि चलें बाहर लेके चले, मुझे हल्की हल्की धूप थी और मज़ा भी आ रहा था। मैं देखिए ये मानो बैठी हुई है और इसके साथ ये दोनों खेल रही हैं। और मानो शाल के लिए ना गिफ्ट आया है कनाडा से, शाल की एक नानू रहती है वहाँ, उन्होंने भेजा। अब इसको खोलेंगे, ओपन करो शाल, ओपन आप भी आओ ओपन करते हैं इसको, आ जाओ। वाह वाह क्या करा मैं, बोर्ड ने पीछे पे आई इसे, ये नानू को थैंक यू बोलना। बस जी मेरा ये व्लॉग यहीं तक, तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और नेक्स्ट वीडियो तक अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़, फ़ी मान।